के लिए मैं सपना देखता था। क्योंकि एक ऐसा एनवायरमेंट मिलना जहां पे बातें खुल के कही जा सकती है, जहां पे खुल के आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जहां पे टीचर्स या फिर अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के साथ भी आप इस तरीके से, जिस तरीके से लेक्चर होती है, इस तरीके से हो सकती है, इससे बेहतर कोई लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग स्पेस नहीं हो सकती। सो एज अ कितने लोगों को लगता है सरकार फासीवादी है? मुझे लगता है सरकार में आरोप है, मुझे लगता ही नहीं है। मतलब हो सकता है फासीवादी हो पर बेवकूफ जरूर है, क्योंकि वो नहीं होता जो कुत्ते होते हैं जो गाड़ी के पीछे भागते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं कि ऐतिहासिक निर्णय, हिस्टोरिक डिसीजन, वी विल ऑल रन आफ्टर द येलो कार्ड, दे विल रन। थिंग इज दैट उनमें इतना ताकत है कि वो दौड़ लेता है और वहां तक पहुंच भी जाता है, गाड़ी तक, टायर तक, बट देन देयर नो वाटर, टायर तक पहुंचता है, फिर देन देयर जस्ट गो हियर एंड देयर, यू टेक देयर डिमोनिटाइजेशन, यू टेक देयर जीएसटी, यू टेक देयर 370, यू टेक देयर सीए। हफ्ते में एक ऐतिहासिक निर्णय लेना है, इतना इतना टेंशन मत लो कि फासीवादी है, नहीं है, थोड़ा आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट यू नो रॉन्ग पार्लेंस, आई नॉट यूज इट, छोड़ो। सो द थिंग इज दैट दे डोंट लिसन टू एनीबॉडी एंड नेदर दे आर डम एंड बिकॉज दे आर डिक्टेटोरियल दे डोंट लिसन टू द स्मार्ट पीपल ऑल्सो। So just imagine the combination. Dumb and dictator. If it was smart, it could have still tolerated. But when they are dumb and being a dictator, neither will they do anything smart, they will not do anybody let anybody do anything smart. So this becomes a very dangerous combination. And that is why we have to fight. It is both from their dictatorship and from their dumbness. We have to save the country not just from the dictatorship part. It is from their dumbness because they don't think through. Just imagine all that they planned is going to happen. जो इन्होंने plan किया है वो खुद ही कहता है कि 5 crore जो है घुसपैठियां है, 1 crore है, जो भी मान लीजिए, इन्होंने एकदम perfect तरीके से ढूंढ के निकाल दिया 1 crore घुसपैठियों को। उसके बाद क्या करें? वो जो गाड़ी तक पहुंच गए उसके बाद क्या करें? वो 1 crore जनता के साथ आप करेंगे क्या? पाकिस्तान तो नहीं लेने वाला, बांग्लादेश तो नहीं लेने वाला, अरेबियन सी में तो पता नहीं क्या करें। और देखो 1 crore स्टेटलेस पीपल, 1 crore स्टेटलेस पीपल हु हैव नो स्टेट इन दिस कंट्री, हाउ डेंजरस दैट इज। पूरा एक बार सोच भी लेता ना ये करने से पहले कि वहां जाके करना क्या है, सीरियसली अगर इतना सोच लेता ना तो ये करते ही ना। नोटबंदी किया अभी, आई जस्ट आस्क वेरी सिंपल इन अ वे ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन दैट आई ट्राई टू डू, आई डोंट नो यू आर वेरी अवेयर सिटीजन, ऐसे बाहर सबको इम्प्रेशन है। हम भी बाहर आके इसे देखते जाते थे, कुछ ज्ञान आ जाए बाहर। तो काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरा अवेयरनेस क्या। दिस इज ये सेम क्वेश्चन जो है, मैं किशनगंज में भी सीमांचल का अभी 6 जिलों का टूर करके आ रहा हूँ, उसके पहले 3 जिला बिहार का था, लखनऊ का था। तो कई सारे आप जो देख रहे हैं, मैं कई जगह जाके यही अवेयरनेस का ट्राइंग टू स्पीक ऑन दिस। तो काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं? चलो कम से कम तो हो रहा है, अदरवाइज गुलाबी भी जाएंगे। जब ये सवाल पूछते हैं तो इसके एक ही जवाब होता है, वो है हाँ, एकदम यस। ठीक है, घुसपैठियों को बाहर निकलना चाहिए कि नहीं?
टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. व्हेन भारत को एक होना चाहिए कि नहीं? भारत की अभी एक नहीं है. What happens is when you are given with a yes or no question, and when you are part of a crowd, you just don't know how to respond. You go with the crowd and say yes or no. Any question, anything, and you just see what is the crowd saying, and then they just go there. It's a herd kind mentality. और यही आपसे पूछा गया काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं, should black money be weeded out not not, and you all said हाँ. What came? You said घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? You said हाँ. What came? NRC. भारत को एक होना चाहिए कि नहीं? You said हाँ. What came? Imagine your answers are empowering this. It is your answers. Questions have been asked and you have answered and they are responding to it, because democracy does not become a dictatorship because of a dictator. It becomes a dictatorship because the people become lazy. जब आप हम सब मिलके सवाल पूछना बंद करते हैं, सवाल उठाना बंद करते हैं, तब हम लोकतंत्र से तानाशाही जोड़ जाता है. कोई तानाशाह बोले हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? रॉन्ग एग्जाम्पल, आई एम सॉरी. सो बट थिंक ओवर इट. आप जहां पे भी जाएंगे, एंड इट इज नॉट जस्ट दिस कम्युनिकेशन, ये इसका जवाब क्या था, करेक्ट जवाब क्या था? काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं? व्हाट इज ब्लैक मनी? व्हाट इज ब्लैक मनी? फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द मैटर. यू डोंट हैव टू आंसर यस और नो. इफ यू हैव आस्क्ड दिस, देन व्हाट इज ब्लैक मनी, काला धन होता क्या है, देन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ ब्लैक मनी. एक मनी, एक प्रॉपर टैक्स इवेशन, अनडॉक्यूमेंटेड, और एवर पीपल इलीगल. सो इलीगली ऑब्टेन मनी एंड ऑल्सो अनडॉक्यूमेंटेड, ठीक है, ये दोनों है. यू कैन पुट एनी वेर इट वो गली हम छोड़ चुके हैं. क्या बोला? तो नहीं, ये समझना, मेंस में भी आप आई लिख के आओगे तरीके से है. जिस तरीके का सेक्युलरिज्म के सवाल पूछा गया, एवरीबडी आस्क मी वन थिंग, सर इफ वी राइट द राइट आंसर विल वी गेट सिलेक्टेड? ओके, बिकॉज दे आर टेस्टिंग अवर यू नो मेंटालिटी विद दिस. आई हैड ओनली वन आंसर टू ऑल ऑफ देम, इफ यू गेट इन थ्रू कॉम्प्रोमाइज यू वुड स्टे ऑल्सो थ्रू कॉम्प्रोमाइज. आप कन्वीनियंट आंसर लिख के अंदर जाओगे तो अंदर रहने के लिए भी आप कन्वीनियंट काम करोगे, और वही आपको देख रहे हैं जो आके पुलिस लाठी मार के गए. वो किसी आपके ऊपर गुस्सा था इसलिए नहीं किया. दैट इज कन्वीनियंट फॉर हिम टू स्टे ऑन इन व्हाटएवर पोजीशन ही इज. दैट्स द इजीएस्ट पाथ ही कैन अडॉप्ट, एंड दैट इज इजी. आस्किंग क्वेश्चन इज टफ. आस्किंग क्वेश्चन टू सुपीरियर इज इवन टफर, है ना. वील कम बैक टू द ब्लैक मनी पार्ट. सो ब्लैक मनी, you see, sir, there are two aspects. One is that undocumented. Undocumented is what? Abhi jo kuch bata ja raha hai sir. Kahi document ho raha hai? So what is that? Black money. Woh jo gaadi tak pahunch gaye. Aaj baat kya kare? Wo 1 crore janta ke saath aap karenge kya? पाकिस्तान तो नहीं लेने वाला, बांग्लादेश तो नहीं लेने वाला, अरेबियन सी में तो पता नहीं क्या करें.
और देखो एक करोड़ स्टेटलेस पीपल, 1 crore स्टेटलेस पीपल हु हैव नो स्टेट इन दिस कंट्री, हाउ डेंजरस दैट इज। पूरा एक बार सोच भी लेता ना ये करने से पहले कि वहां जाके करना क्या है। सीरियसली अगर इतना सोच लेता ना तो ये करते ही ना। नोटबंदी किया अभी, आई जस्ट आस्क वेरी सिंपल इन अ वे ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन दैट आई ट्राई टू डू। आई डोंट नो यू आर वेरी अवेयर सिटीजन, तो ऐसे बाहर सबको इम्प्रेशन है। आई हैव नो आइडिया, सबको लगता है कि आपका बहुत अवेयर हो, इसलिए हम भी बाहर आके इसे देखे जाते थे इसे। कुछ ज्ञान आ जाए बाहर। तो काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरा अवेयरनेस क्या। दिस इज ये सेम क्वेश्चन मैं किशनगंज में भी सीमांचल का अभी 6 जिलों का टूर करके आ रहा हूँ। इसके पहले 3 जिला बिहार का था, लखनऊ का था। तो कई सारे आप जो देख रहे हैं मैं कई जगह जाके यही अवेयरनेस का स्पीक ऑन दिस। तो काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं? चलो कम से कम तो हो रहा है। अदरवाइज गुलाबी भी जाएंगे जब ये सवाल पूछते हैं तो इसके एक ही जवाब होता है, वो है हाँ, एकदम यस। ठीक है, घुसपैठियों को बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, व्हेन भारत को एक होना चाहिए कि नहीं? भारत के अभी एक नहीं है। Just don't know how to respond. You go with the crowd.